बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैंने आपके साथ वादा किया था कि गंदम की काश्त किस तरह होती है वो आपको बताएंगे, तो आज गंदम की काश्त हो रही है, तो मैंने कहा चलें आपके साथ गंदम की किस तरह काश्त होती है, किस तरह उसे बोया जाता है वो वीडियो बनाई जाए और आपके साथ शेयर की जाए कि गंदम किस तरह लगाई जाती है। तो चले आएँ आपके साथ, वीडियो शेयर करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री है, और साथ ही उसके बेल का आइकन आता है उसे भी क्लिक करें ताकि मेरी लेटेस्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मैं ज़मीन की तरफ अभी जा रहा हूं और जहां हमने गंदम काश्त करनी है, चलें चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरह गंदम काश्त होती है। व्यूअर्स, मैं वहाँ पहुँच चुका हूँ जहाँ गंदम काश्त करनी है हमने, और ये जो पीछे की तरफ आपको शोर आ रहा है ये मूंगफली का थ्रेशर लगा पड़ा है और मूंगफली निकाली जा रही है, तो उसके लिए माजरत, क्योंकि आजकल ऐसे दिन हैं कि ज़िम्मेदार सारी मसरूफ़ हैं और मूंगफली की फ़सल उठा के तकरीबन सारी अभी गंदम की फ़सल काश्त कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। चलें अभी आपको दिखाते हैं कि गंदम किस तरह काश्त होती है और किस तरह उसका बीज बोया जाता है। चलें चलते हैं। आपके सामने है जी गंदम काश्त हो रही है, और मैंने आपके साथ वादा किया था कि मैं इंशाल्लाह गंदम काश्त करने की वीडियो अपलोड करूंगा। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि गंदम काश्त हो रही है आपके सामने।
उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो गंदम काश्त की मैंने वीडियो दिखाई है अच्छी लगी होगी, और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री है, और साथ ही उसके बेल का आइकन आता है उसे भी क्लिक करें ताकि मेरी लेटेस्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अपने और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। तब तक मुल्तबा अकरम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।